कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के इलेक्शन में प्रोग्रेसिव पैनल एक बार फिर फतह से हमकिनार। खावर नवाज राजा 123 वोट लेकर सदर, जबकि अकील अंजुम 114 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सीनियर नायब सदर के लिए माजिद अफसर ने 118, नायब सदर के लिए जहीर मुगल ने 131, ज्वाइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर आबिद हाशमी 112, सेक्रेटरी मालियात के लिए एजाज खान ने 117, सेक्रेटरी इतलात के लिए इकबाल आबान ने 117, ऑर्गेनाइजर के लिए अदील बशीर ने 119, जबकि डिप्टी ऑर्गेनाइजर के लिए तलहा जावेद ने 118 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब अहदेदारान का कहना था कि कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के कयाम का मकसद मसला कश्मीर को उजागर करना है। नया निकात है वो ये है कि मसला कश्मीर के हवाले से इबलागी महाज पर हमने काम करना है। हमने जो अपना 18 निकाती मंशूर दिया है उस पर सोफीकर अमल दरामद करेंगे। विक्टिम वेलफेयर के हवाले से हमने जो ऐलान किया है कि उसको हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, और जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके हवाले से हम अमली इकदाम करवाएंगे। इस तरह हमारे मोटरसाइकिल जो है अपने हम साथियों को, पहले भी हमने 17 मोटरसाइकिल फ्री दिए थे और इस साल भी हम इंशाल्लाह ताला अपने भाइयों को मोटरसाइकिल उनको देंगे जिनके पास सवारी नहीं है। और इस तरह हमने एक ये भी अपने दोस्तों के साथ, अपने साफी भाइयों के साथ, जमान के साथ वादा किया कि हम आप हर साल एक बंदे को उम्र पर भिजवाएंगे। इसका बुनियादी मकसद था जो हमारा आईन में पहला नुक्ता लिखा हुआ उस पर लिखा हुआ है कि मसले कश्मीर को बुनियाद इंटरनेशनल महाज पे जिसको हाईलाइट करना है। तो उसके बाद हमारे जो यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और गिलगत बल्तिस्तान इतने चाहती यहाँ पे रिहाइश पजीर है, ये उनका एक फोरम है जिसका नाम के कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम है। इसमें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 270 मेम्बरान है। तो उनका ये दो साल के बाद इलेक्शन होता है, इसमें एक तो हमें आपस में मिल बैठने का मौका मिलता है, दूसरा ये है कि हम इस पर वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, सपोर्ट्स एक्टिविटीज़, टूर्स कराते हैं। उस हवाले से इस कश्मीर जर्नलिस्ट की जो अहमियत है बड़ी एक अहम फोरम है। उसके अलावा इसमें हम जो जितने भी हमारे बड़े बड़े प्रेस क्लब्स में जर्नलिस्ट फोरम्स है, ये वाहिद फोरम है जहाँ पे हम खुशी गमी के मौके पे अपने मेम्बरान को कुछ इमदाद भी करते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी की 9 में से 7 नशिस्तें प्रोग्रेसिव पैनल ने हासिल की, जबकि ऑर्गेनाइजर और नायब सदर की 2 नशिस्तों पर यूनाइटेड जर्नलिस्ट पैनल के उम्मीदवार कामयाब हुए। गवर्निंग बॉडी की कुल 8 नशिस्तों पर दोनों पैनल्स ने 4-4 नशिस्तें हासिल की।